एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल की बाकी मंथ की रीडिंग, जो कि स्टार्ट होता है 15 से लेके 30 तक। ये रीडिंग होगी फॉर द साइन ऑफ कैंसर्स। देखते हैं कैंसरियंस के लिए ये बाकी का महीना कैसा गुजरेगा। कार्ड शफल करते हुए एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी आपको कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और लीव द रेस्ट। तो इस रीडिंग के अंदर मैं एक ओरेकल डेक भी यूज़ करूँगी, रोमांस एंड ओरेकल कार्ड्स, एडिशनल गाइडेंस लेने के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाकी महीने के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कैंसरियंस का रिमेनिंग मंथ कैसा गुजरेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेयर ऑफ वॉइड, एस ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली तो आपकी आपका फाइनेंशियली और जहाँ तक आपकी स्टेबिलिटी की बात आती है, स्टेबिलिटी अगर आप रिलेट करते हो लव लाइफ से तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अगर आप स्टेबिलिटी रिलेट कर पाते हो फाइनेंसिस के साथ तो सिचुएशन फाइनेंसिस को लेके आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आपको कोई गुड न्यूज़ या सडन अनएक्सपेक्टेड पैसे भी रिसीव हो सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पैसे जो आपको रिसीव होंगे, ये कहीं ना कहीं इसके लिए आपने आपने ये बेसिकली आपके किसी काम के बदले में आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड जो पैसे आ रहे हैं वो एज अ गिफ्ट हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन है। इट्स मोर लाइक कि आपने कोई काम किया जिसके बदले में आपको वो पैसे मिलेंगे। और आई थिंक विद एस ऑफ पेंटिकल जो पैसों की जो अमाउंट होगी वो काफ़ी अच्छी खासी होगी। और कुछ लोगों के लिए एक नई जॉब ऑफर भी हो सकती है। और अगर एक नई जॉब ऑफर भी है तो तब भी आई थिंक इट्स लाइक कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में ये काफ़ी बेहतरी लेके आएगी और आप एक आपके अंदर ख़ुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इससे आपकी पोजीशन जो है फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। लेट्स टेक मोर कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये रिमेनिंग मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अदर देन दैट वी डू हैव जस्टिस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई कोर्ट केस विन करो। अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो फाइनेंसिस को लेकर, हो सकता है कि आपने कहीं जॉब की हो और उन्होंने आपको पैसे वापस नहीं किए हो या आपको पे नहीं किया हो, तो आई थिंक इस महीने के रिमेनिंग मंथ में आप वो पैसे उनसे ले सकोगे और पैसे बहुत अच्छे खासे अमाउंट में होंगे। और अगर आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो फाइनेंसिस को लेके या अदरवाइज भी, तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी लीगल मैटर आप फेस कर रहे हो राइट नाउ उसमें आपको सक्सेस हो और वो उसका जो वर्डिक्ट होगा वो आपके फेवर में जाएगा। सो थोड़े से और कार्ड्स देते हैं आस्किंग अबाउट आपकी लव लाइफ। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में रिमेनिंग मंथ में क्या होने वाला है, क्योंकि ये एनर्जीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंसेस या स्टेबिलिटी को लेकर है। तो लव लाइफ में क्या चलने वाला है रिमेनिंग मंथ में, लेट्स फाइंड आउट। लेकिन डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी बेहतरी आएगी रिमेनिंग मंथ में, 15 से लेकर 30 अप्रैल तक। लेट्स सी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सेवन ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ वांड्स, अंडरनीथ द डेक यू डू हैव किंग ऑफ कप्स। अच्छा, जहाँ तक बात आती है आपकी लव लाइफ की, आपकी लव लाइफ अभी आपका प्रायोरिटी नहीं है, आप बहुत फोकस्ड हो आपके करियर के ऊपर। इवन अगर आप मैरिड भी हो तो तब भी आई डोंट थिंक कि आप अपने स्पाउस को ज़्यादा टाइम दे सकोगे। अगेन रीज़न फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो या आप काम कर रहे होगे, आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम आपके फाइनेंसेस और आपका वर्क लाइफ सिचुएशन रहेगी।
आप कहीं ना कहीं जहाँ मतलब जहाँ पे आप चाह भी रहे हो कि आप अपना टाइम स्पेंड कर सको, और जिससे भी आप प्यार करते हो, जिसके साथ भी आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप नहीं कर सकोगे, लेकिन आप में बातचीत होती रहेगी। मेजॉरिटी लोग जो जो कि अनमैरिड हैं या जिनका मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आई डू सी कि आप लोग मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन की तरफ ज़्यादा आप लोगों का रुझान रहेगा। और लेकिन जहाँ तक बात आती है कि आप अभी अपने लव लाइफ को परसू नहीं करोगे इस महीने, एटलीस्ट इस महीने आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखने वाले हो अपने अपने पार्टनर से, अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल सिचुएशन जो आप डील कर रहे हो, उसकी वजह से आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकोगे, ना ही आप करना चाह रहे होगे, क्योंकि आपका फोकस आपको लगेगा कि आप इस तरह से लूज़ कर जाओगे और ज़्यादा टाइम आप अपने फाइनेंसेस और कैरियर को देने वाले हो। कुछ लोगों के लिए लेट मी टेक क्लैरिफायर, फिर मैं बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए आपकी लेकिन जैसे आप महीने के एंड पे जाओगे तो चीज़ें अच्छा, ये चीज़ हर हर साइन के लिए आई है। इवन जो इंग्लिश रीडिंग्स भी जो मैंने की है अपने दूसरे चैनल पे, उसमें भी ये चीज़ आई थी कि जो लास्ट 10 डेज़ होंगे महीने के, वो बहुत सिग्निफिकेंट होंगे डिफरेंट लोगों के लिए फॉर डिफरेंट रीजंस, लेकिन आपके सिचुएशन में भी आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होंगे महीने के लास्ट 5 डेज़ में, जहाँ पे आपकी ज़्यादा बातचीत भी होगी और ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हो अपने पार्टनर से, या आपका पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन रख रहा है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी लास्ट 7 to 5 डेज़ के, 5 to 7 डेज़ के अंदर आपके लिए लाइफ आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे मूव होंगी। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के लिए आपका फोकस आपका फाइनेंसेस स्टेबिलिटी रहेगा, लेकिन जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात आती है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्लो होंगी और ना होने जैसी मूवमेंट होगी आपकी लव लाइफ में लेकर, लेकिन चीज़ें आगे बेहतर होंगी। आई थिंक मे बी अराउंड 23rd से लेके 30th तक, या कुछ लोगों के लिए 25 से आगे। सो देखते हैं वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। अच्छा, जहाँ तक आपको अगर लव लाइफ को लेके आप अगर मतलब अगर आप टाइम देना चाह रहे हो, या अगर आप टाइम मांग रहे हो अपने पार्टनर से और आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ रहना होगा और टाइम को इस टाइम को थोड़ा इजी होके गुजारना होगा, लड़ाई किए बगैर, झगड़ा किए बगैर, क्योंकि चांसेस हैं कि आप थोड़ा बैड फील करोगे कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा। लेकिन आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जैसे ही आप नेक्स्ट मतलब जो लास्ट 10 डेज ऑफ मंथ होंगे, जैसे ही आप उसमें आओगे, तो चीज़ें आप दोनों के दरमियान बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपको अभी उसको अंडरस्टैंड करना होगा आपके पार्टनर को, या हो सकता है कि एनर्जीज रिवर्स हो कुछ लोगों के लिए, तो जस्ट पिक जैसे आपकी सिचुएशन में मैच कर रहा है ये सारा कुछ। तो बस ये है सिचुएशन, ये एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए रिमेनिंग मंथ के लिए। सो इफ द रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, अगर आपके साथ मैच करती हो रीडिंग, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई और रीडिंग देखना चाहते हो पिक अ कार्ड में, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। सो आई विल कंसिडर दैट एज वेल। तो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, कैंसेरियंस टेक केयर, बाय बाय।